नमस्कार, मैं चित्रकार दिनेश सोनी राजस्थान के भीलवाड़ा शहर से संबंध रखता हूँ और मैं पिछवाई बनाता हूँ। मुझे पिछवाई बनाते हुए 30 वर्ष हो चुके हैं और यह कला मैंने मेरे ग्रैंडफादर श्री बद्रीलाल जी चित्रकार से सीखी है। श्री बद्रीलाल जी चित्रकार को भारत सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस कार्य को मैंने उन्हीं से सीखा, वो मेरे गुरु थे और निरंतर अभी ये कार्य मैं कर रहा हूँ। पिछवाई मैं कई बड़ी बड़ी साइजेज में बनाता हूँ, 6x4 की साइज में, 8x10 की साइज में और 10x12, 15x15, बड़ी बड़ी साइजेज पिछवाई की बनती है। पिछवाई का जो इतिहास है वो 300 साल का इतिहास बताया जाता है, लेकिन अपने पास उपलब्ध जो पिछवाइयाँ हैं वो 250 साल तक की पिछवाइयाँ उपलब्ध है। ये रहा एक इतिहास का विषय है, लेकिन मूल रूप से जो पिछवाई है वो श्रीनाथ जी और राधा कृष्ण के मंदिर जो वैष्णव संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते हैं, उन मंदिरों में मूर्ति जिसे विग्रह कहा जाता है, मूर्ति के पीछे की साइड में जो चित्र लगाए जाते थे, जैसे कि मेरे पीछे ये चित्र लगा हुआ है, इसको पिछवाई है, ये शरद पूर्णिमा की पिछवाई है और इसमें गायों का भी दर्शन है, इसमें गोसाई जी भी हैं और साथ में इनके जो वंशावली है गुसाइयों की, वो वंशावली भी दी है, 24 दर्शन भी दिए हैं और शरद पूर्णिमा की पिछवाई है। तो इस प्रकार से मंदिरों में पीछे की साइड में जो चित्र लगाए जाते थे उनको पिछवाई कहते हैं। और इन दिनों में इनके छोटे छोटे प्रारूप कई चित्रकार, हाँ मैं भी बनाता हूँ, और आजकल ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनमें गायों की पिछवाइयाँ हैं और शरद पूर्णिमा की छोटे छोटे स्वरूप, जिनको तो आजकल ये हर ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही है। पिछवाई पुराने ज़माने में बड़े बड़े कपड़ों पे बनाई जाती थी, लेकिन उस वक्त बड़े बड़े लूम्स नहीं हुआ करते थे, तो पार्ट पार्ट में कपड़े बनते थे, छोटे साइज के 2-2 फीट तक के, और उनको जॉइंट करके और बड़ा कपड़ा तैयार किया जाता था जो सूती कपड़ा होता था, और उनको जॉइंट करके आपस में, और फिर बड़े कपड़े के ऊपर पिछवाइयाँ लगती थी, वो मंदिरों में लगती थी। तो अब इन दिनों तो खैर मिल्स हो चुकी है और उनसे सूती कपड़ा आता है, लेकिन मैं अभी भी जो हैंडलूम के जो कपड़े हैं सूती, उन्हीं के ऊपर पिछवाई बनाता हूँ। और पिछवाई में जो आपको अलग अलग लीलाएं, जैसे अपन कृष्ण की लीला है और कृष्ण की कई लीलाएं हैं, जैसे माखन चोरी हो गई और आपके संध्या आरती की हो गई और सितोलिया खेलते हुए हो गई, वन भ्रमण में भोजन करते हुए हो गई, गायें चराते हुए हो गई, तो इस प्रकार के कृष्ण की कई लीलाएं जिनकी पिछवाइयाँ बनती हैं। मुख्य रूप से मंदिरों के लिए जो पिछवाइयाँ बनती थी उसमें शरद पूर्णिमा की पिछवाई, नंदोत्सव की पिछवाई, दान लीला की पिछवाई, डांडिया रास की पिछवाई, और अपने भगवान विष्णु का जो विराट रूप है वो भी पिछवाई में बनाया गया था, कौरव पांडव के युद्ध, रामायण, कई पिछवाइयाँ बनाई जाती है। और वैसे श्रीनाथ जी के मंदिरों में सुबह से लेकर शाम तक 8 दर्शन होते हैं, 8 दर्शन के स्वरूप अलग से बनते हैं और 365 दिन में कई उत्सव आते हैं, मुख्य उत्सव उनमें 24 ही होते हैं और 24 उत्सव की पिछवाई भी बनती है, प्रत्येक उत्सव की अलग अलग पिछवाई भी बनती है, जैसे इसमें 24 उत्सव बने हुए हैं। इसके अलावा कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ मूर्ति नहीं है, वहाँ चित्र की पूजा होती है, तो चित्र में सिर्फ श्रीनाथ जी का एक स्वरूप होता है, वहाँ उनकी चित्र जी की पूजा की जाती है। और वल्लभ संप्रदाय के जो महापुरुष थे उनके 84 बैठक थी, उन्होंने अपने जीवन काल में जो 84 स्थानों पर यात्रा करी, तो उन प्रत्येक मंदिरों में अलग अलग पिछवाइयाँ विराजित हैं और वहाँ उन पिछवाइयों की पूजा की जाती है। अब ये देखिए मेरे पीछे महारास की पिछवाई लगी हुई है, इसमें लालन को यशोदा और नंद बाबा जो है झूला झूला रहे हैं। और यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि पिछवाई जो है नाथद्वारा से बिलोंग करती है, श्रीनाथ जी के साथ कई चित्रकार आए थे, परंपरागत चित्रकार थे, उनके पूरे परिवार थे, उनके साथ में ये कला का विकास हुआ। उसी प्रकार से भीलवाड़ा में हमारा जो परिवार है वह भी पिछवाई का परंपरागत परिवार है और पिछवाई बना रहा है। यहाँ एक छोटी सी, कई जो लोग जानकार नहीं हैं कपड़े पे बने हुए प्रत्येक चित्र को पिछवाई समझ बैठते हैं, और भीलवाड़ा में भी फड़ चित्र भी बनते हैं, तो फड़ और पिछवाई दोनों अलग फॉर्म है। फड़ में
आपको बिल्कुल फॉक वर्क मिलता है, और पीछे में भी वैसे फॉक है लेकिन इनके एलिमेंट्स, बैकग्राउंड, कलर स्कीम सब डिफरेंट है, और फर की कलर स्कीम, बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए आप, मैं आपको जो है पेड़ कैसे बनाते हैं उनका एक छोटा सा रेखांकन बताऊंगा, बाकी विस्तार में मैं आपको अलग तरीके से बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये मेरे हाथ में गिलहरी की ब्रश है, मुड़ी हुई ब्रश, इससे आम का पेड़ कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसको उल्टी चली जाती है, ध्यान से देखिएगा, ये आम का पेड़ बनाने का ये तरीका है इसका। ये पत्तियों का समूह बनाया जाता है अलग अलग तरीके से, फिर इसके पास में एक और बनी जाती है इसी प्रकार से, ये अलग अलग रंगों से बनी जाती है। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए जमीन पे बता रहा हूँ, ये फिर दो के बीच में एक और बनाया जाता है इस प्रकार से, ये ब्रश उल्टी चलती है इसके अंदर, ये इस प्रकार से, ये देखिए। ऐसे ही केले का पेड़ बनाया जाता है, केले का पेड़ ये इस प्रकार से, ये मध्य वाला जो पत्ता है वो बनाया जाता है, इसके बाद इसके अपोजिट में एक और, इसके अपोजिट में एक और, फिर इसके अपोजिट में एक और, फिर इसके अपोजिट में एक और, ये इस टाइप से ये केले का पत्ता ये बनाया जाता है। ये इसका तना होता है, ये इस प्रकार से, फिर इसके बीच की शाखा, और इसके बाद इसमें बारीक 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 लाइनें लगाई जाती है इस प्रकार से। ये एक रफली स्केच है, बाकी ये लाइट ग्रीन से और ग्रीन से बनाया जाता है, उसके बाद इसमें शेडिंग लगाई जाती है, शेडिंग के बाद इसमें ब्लैक कलर से आउटलाइन की जाती है, ब्लैक का आउटलाइन के बाद इसकी एक एक लाइनें दिखाई जाती है केले के पत्ते में होती है। उसी प्रकार से नीम का पेड़ कैसे बनाते हैं, ये नीम के पेड़ के लिए ये इसका ये इस प्रकार से लाइनें लगाई जाती है, और ये एक एक पत्ती इसमें इस प्रकार से बनाई जाती है। ये अलग अलग रंगों से बनने के बाद बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसकी शेडिंग लगाई जाती है ऐसे, फिर इसकी हर एक की वापस हाईलाइट दे करके एक पत्ती को वापस जीवंत किया जाता है इस प्रकार से। अब मैं आपको पिछवे में किस किस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, श्रीनाथ जी कैसे बनाया जाता है, या गाय कैसे बनाई जाती है, या पेड़ पौधे किस प्रकार के बनते हैं, आकृतियां किस प्रकार की होती है, उनके कुछ कुछ स्केच करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जो है गाय बनाते हैं इसके अंदर, ये कपड़ा पहले से तैयार करके मैंने यहाँ पेस्ट कर रखा था, तो समय भी बच जाएगा, ये कपड़ा मैंने पेस्ट किया हुआ है, इसके ऊपर खड़िया का कोट भी किया हुआ है। अब मैं आपको गाय बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले गाय जो है उसका चेहरा बनाया जाएगा, उसके बाद उसका आगे का आप देखते जाइए। सबसे पहले एक रफली हल्का सा एक आइडिया के लिए मुझे कितनी बड़ी गाय बनानी है उसका एक रफली एक स्केच किया मैंने। अब ये इसके ऊपर मैंने तैयार कर लिया है, अब इसके ऊपर फाइनल आउटलाइन कर रहा हूँ। गाय की गर्दन है, ये गाय का कान है, इसका पीछे वाला कान बनाया गया है, ये गाय की पीठ है, पीछे वाला पेड़ का हिस्सा,
प्रकार से ये अपनी दाई कंप्लीट होकर के आ रही है। पिछवाई बहुत मेहनत का काम है क्योंकि पूरी एनाटॉमी बैलेंस सब कुछ बराबर रखना पड़ता है। और पिछवाई जो है अलग अलग आकृतियाँ, अलग अलग रूप, गाय भागती हुई, दौड़ती हुई, बछड़े के साथ गाय, गाय ऊपर देखती हुई, अलंकृत चित्रों से चित्रण करते हुए जो आकृतियाँ बनाई जाएगी उन्हीं को पिछवाई में समावेश किया जाएगा। इसके साथ में बछड़ा बना रहा हूं मैं। अब मैं आपको जो मेरा वर्कशॉप है उसमें ले आया हूँ और अब मैं आपको बताऊँगा कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है, रंग कैसे तैयार किए जाते हैं, रंग कितनी प्रकार के होते हैं। तो ये सूती कपड़ा है, बिल्कुल प्योर कॉटन है और ये हैंडलूम का बना हुआ, खादी कह सकते हो आप इसको, लेकिन खादी नहीं होती, थोड़ा पतला कपड़ा है क्योंकि पिछवाई में पतला कपड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए आप, इसमें बारीक बारीक रेशे नजर आ रहे हैं आपको, तो इसके ऊपर हम जो मैदा होती है, मैदा की एक एडहेसिव तैयार किया जाता है, मैदा को पानी में मिला करके उसको घोल करके और गर्म किया जाता है तो वो थोड़ा सा जाड़ा हो जाता है, जाड़ा हो जाता है। उसके बाद हम इसको उसके अंदर जहाँ भी इसको फ्लोर पर चिपकाना है उसको फ्लोर पर इस प्रकार से चिपका देते हैं, ये इस प्रकार से फ्लोर पर डाल के, और फिर वो जो एडहेसिव हम तैयार करते हैं जो मैदा से तैयार होता है उसको इसके ऊपर डाल करके और बिल्कुल ऐसे 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 इसके ऊपर प्रेस करते हैं, इसके सारे सर निकलवा लिए जाते हैं और वो सारा जो एडहेसिव हमने हाथ से बनाया वो उस पर लग जाता है। और सूखने के बाद हम इसको उतार लेते हैं, उतारने के पश्चात जो नीचे जो इसका एडहेसिव यहाँ से छन के गया था उसको साफ नहीं किया जाता है, उसको है जैसा जैसा एडजस्ट रखा जाता है। अब जब कपड़ा थोड़ा सा स्टफ हो जाता है तो उसके बाद हम इसको हकीक के पत्थर से गुठली करते हैं और हकीक से पत्थर से गुठाई करने के बाद इसको पानी लेकर के और इसको वापस से इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, पानी से पेस्ट करते हैं, नीचे पानी लगाते हैं और ऊपर से इसको वापस पेस्ट कर देते हैं। हकीक का पत्थर जो होता है इतना बड़ा होता है, इस टाइप से होता है, उसका सरफेस बिल्कुल चिकना होता है, उससे हम इसकी गुठाई करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर एक खड़िया मिट्टी का, जो वाइट खड़िया होती है, उसका एक कोट कर देते हैं ताकि क्या इसकी बारीक बारीक रेशे जो हैं वो एकदम ग्लेज हो जाए। उसके बच्चा इस पर स्केच किया जाता है, स्केच कई बार पेंसिल से भी किया जाता है, कई बार डायरेक्ट ब्रश लेकर किया जाता है। डायरेक्ट ब्रश जो होती है वो इस प्रकार से थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है और ये चलाने में आसानी रहती है और ये मुख्य रूप से जो है गिलहरी के बाल से बनती है। मेरे पास कुछ पुरानी ब्रशेज हैं जिनको मैं काम में ले रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो चुकी है लेकिन है जिस प्रकार से उनका उपयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी रंग होते हैं इसमें, रंग सारे पिगमेंट बेस और स्टोन बेस कलर होते हैं। पिगमेंट बेस जो कलर आते हैं उसमें वाइट जिंक ऑक्साइड जो होता है वही होता है और पियावड़ी जो ये इसमें पियावड़ी पीले कलर की उसको हम लोग पियावड़ी बोलते हैं, ये भी पिगमेंट बेस कलर है। इसी प्रकार से पुरानी पिछवाइयों में देशी नील जो बंगाल से आया करती थी, बिहार से सॉरी, वो आजकल उपलब्ध नहीं है लेकिन इसके लिए हम लोग पिगमेंट बेस नील जो आती है उस नील में गम या तो या सरेस जो होता है जो चर्बी से निकलता है उसको मिला करके इसके साथ ग्राइंड करके फिर तैयार करते हैं। और जितने भी कलर्स हैं वो सारे ग्रेनाइट की जो खड़ल होती है
या जो हार्ड स्टोन की खरड़ होती है उसी के अंदर, खरड़ बोलते हैं हम लोग उसको, उसी के अंदर ग्राइंड कर करके और एडेसिव मिला करके, एडेसिव बोले तो गम या तो या अमरूद का गम या सरेस मिला करके इसके साथ हम ग्राइंड करते हैं। मुख्य रूप से जो लाल कलर है वो सिंगरफ, हिंदू भी बोलते हैं सिंगरफ भी बोलते हैं, उससे तैयार होता है। और बहुत हार्ड स्टोन जो मरकरी से निकलता है उसको बहुत कम से कम समझ लीजिए क्वांटिटी में हमें रखना था, बताइए क्योंकि हमारी पेंटिंग्स बड़ी बड़ी होती है तो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स के लिए हमें क्वांटिटी में कलर बनाना होता है। उसके लिए एक आदमी तो कलर घोटने वाला ही होता है, उसका एक ही काम होता है कि कंटिन्यूसली ये कलर तैयार हो गया तो इसको घोटता रहे, ये हो गया तो इसको घोटता रहे, ये हो गया तो इसको घोट, क्योंकि जितनी ग्राइंडिंग होगी उतना ही वो महीन और बारीक चलने लायक हो जाएगा, इसलिए इनकी लंबी घुटाई बनती है। और ये रेड कलर है, इसी प्रकार से देशी सिंदूर आता है वो भी मरकरी से निकलता है जिसको ऑरेंज बोलते हैं, और ग्रीन जो है वो पत्थर का आता है दाना फिल्म, ये दाना फिल्म वाला कलर है, ये दाना फिल्म का कलर, ये भी स्टोन से होता है। और इसका शेड कम ज़्यादा करने के लिए हम इसके अंदर या तो खड़िया मिला लेते हैं या जिंक ऑक्साइड मिला लेते हैं, और इसी प्रकार से इसको डार्क टोन करने के लिए इसमें नील मिला देते हैं तो ये डार्क हो जाता है। और ऐसे ही अलग तक का कलर होता है जो लाख से निकलता है, उसको जो आजकल के जो कलर है उनको तो क्रिमसन बोलते हैं, लेकिन अलग तक का कलर जो पुराने औरतें जो है मेहंदी के रूप में इस्तेमाल करती थी, वो पीपल के पेड़ से जो लाख बनती है उस लाख से ये कलर तैयार होता है। इसको बहुत उबाला जाता है, जो पीपल के पेड़ से जो लाख आती है उसको गर्म पानी के अंदर खूब सारा उबाला जाता है, फिर उसके बाद उसमें सूती कपड़ा डाल देते हैं तो उसका जो कलर है वो सूती कपड़े में रहता है, और उस कपड़े को हम नीचे करके इसमें ले लेते हैं। ब्लैक कलर जो है बारीक जो कोयला होता है, ये बादाम के छिलके होते हैं, बादाम के छिलके को जला करके और उसको बहुत ग्राइंड करके बारीक 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 ग्राइंड किया जाता है, उसमें गम मिलाया जाता है और फिर ग्राइंड होता रहता है। ग्राइंड होने के बाद जो छानने के बाद जो एकदम महीन कलर होता है वो ये ब्लैक कलर रहता है। इसकी उम्र काफ़ी होती है, पुरानी जो जितनी पिक्चरियाँ बनी है या जो भी मैनुस्क्रिप्ट भी लिखी गई थी वो इसी कलर से लिखी जाती थी। और डार्क करने के लिए हम ब्लैक का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी प्रकार से डार्क ब्लू अलग होता है, ये भी पत्थर से ही आता है, ये डार्क कलर का पत्थर होता है, इसको भी उसी टाइप से ग्राइंड करके और बहुत लॉन्ग प्रोसेसेस हैं, इसके बाद इसको छाना जाता है, छानने के बाद इसको काम में लिया जाता है। और इसी प्रकार से जैसे पिंक है तो पिंक में हमने अलग तक किया नहीं, बोले तो क्रिम्सन मिला दिया वाइट के साथ में, तो इस टाइप का पिंक कलर बन जाता है। तो मल्टी कलर शेड्स जो होते हैं पिक्चर में काम में आते हैं, जैसे आप देखेंगे ये पियावड़ी का उपयोग है, ये हिंदू रेड जो है उसका उपयोग है, ये जंगाल का ग्रीन है जो तांबे से बनाया जाता है, और इसका शेड चेंज करने के लिए अगर थोड़ा सा लाइट करना है तो इसके साथ पियावड़ी मिला देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो कपड़े को खा जाएगा क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। और रियल गोल्ड के नाम पर गोल्ड की जो लीफ आती है वो लगाई जाती है, या उसकी स्याही बनाई जाती है जो गोल्ड लीफ आती है उसको घिस घिस करके उसके लिक्विड फॉर्म तैयार की जाती है। तो इसमें मैंने आलरेडी फर्क का गोल्ड लीफ का उपयोग नहीं किया है, इसमें तो मैंने स्याही का उपयोग ही किया है, जो गोल्ड की स्याही जो गोल्ड लीफ से ही तैयार होती है उसका उपयोग किया है। और चांदी के तौर पर जो ब्लैक पिछवाइयाँ बनती है मंदिरों के लिए, जिनको लेकिन की पिछवाइयाँ भी बोलते हैं, तो उनके अंदर चांदी के लीफ मतलब वर्क, चांदी के वर्क का इस्तेमाल होता था, और उन्हीं वर्क को सरेस के साथ घोट घोट के ठोका जाता था, क्योंकि सरेस जस्ट लाइक चर्बी होती है तो उसके साथ उसको घोटा जाता है, तो चांदी का वो जो वर्क है वो मेल्ट होकर के उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो उससे जो कलर तैयार होता है उसको चांदी सिल्वर बोलते हैं, कतील भी बोलते हैं उसको। तो ये जो कलर है वो कतील का सिल्वर है ये चांदी ही, लेकिन चांदी क्या है कि लॉन्ग टर्म के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है और काली पड़ जाती है, तो इसमें भी थोड़ा सा शेड काला हो गया है। चांदी कभी भी लंबे टाइम तक चमकती हुई नहीं रहती है, वो डल कलर में हो जाती है क्योंकि उसकी उसकी नेचर ही ऐसी है। और ऐसे ही इसके अंदर जैसे लाइट ग्रीन जो दिख रहा है आपको, ये लाइट ग्रीन आपके क्या नाम इसका दाना फिल्म है, रेड मैंने बताई दिया। इसी प्रकार से ये जो पीछे भूनिया कलर दिया हुआ है, भूनिया कलर भी पियावड़ी के साथ में ये डार्क ब्लू बनाकर मिला करके थोड़ा ब्लैक टोन देकर के इस तरह को तैयार किया है। पिछवाइयों में प्रत्येक पिछवाई में बॉर्डर बनती है, और आप देखेंगे ध्यान से अभी ये पीछे मेरी साइड में गोपाष्टमी की पिछवाई लगी हुई है,
ये दीपावली के बाद जो गो पूजा का दिन होता है गोपाष्टमी बोलते हैं उसको, तो ये गोपाष्टमी की दो छोटी पिछड़ियाँ किसी के ड्राइंग रूम के लिए अलग अलग सब्जेक्ट हैं, मतलब अलग अलग साइज भी नहीं कहेंगे, अलग थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं, जैसे गायें दिए गाय दे दिए, इसमें ग्वाल की सिचुएशन चेंज करके देवता ऊपर दे दिए हैं, और ऐसे ही ये सुदर्शन स्वरूप बनाया श्रीनाथ जी का, इसमें शंख चक्र गदा और पदक बनाई है, ये भगवान विष्णु का रूप कह सकते हैं या श्रीनाथ जी का सुदर्शन रूप कह सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कृष्ण और श्रीनाथ जी दोनों एक ही हैं। श्रीनाथ जी बाल रूप है, कृष्ण का बाल रूप भी कह सकते हैं, ये स्वयंभू भगवान है पौराणिक कथाओं में और मूर्ति का उद्भव कह सकते हो, ये बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन बाल रूप ही है श्रीनाथ जी, बेसिकली बाल रूप है। और अब ये जो मैंने नीचे चिपका रखी है ये है महारस, ये देखिए इसमें 24 दर्शन है और 24 दर्शन 24 उत्सव है, इसमें अन्नकूट का दर्शन भी है, इसमें नंदोत्सव भी है, इसमें स्नान यात्रा का दर्शन भी है, इसमें शरद पूर्णिमा भी है, इसमें आपके गोपाष्टमी का दर्शन भी है। ये देखिए आप ध्यान से, ये देखिए अलग अलग दर्शन है इसके अंदर, इसमें कार्तिक पूर्णिमा का दर्शन अलग है और इसमें शरद पूर्णिमा का दर्शन अलग है, ये देखिए ये अलग अलग दर्शन इसमें दिखाए गए हैं, साथ में दो गोसाई जी जो उनके पूजा करने वाले होते हैं, गोस्वामी बालक कह सकते हैं आप उनको, उनके भी साथ में एक स्वरूप बनाए गए, तो प्रत्येक पिछड़े में गोस्वामी बालक दिखाए जाते हैं और श्रीनाथ जी तो दिखाए ही जाते हैं, ऊपर विमान दिए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी सभी दिए गए हैं। और इसी प्रकार से इसमें 8 कृष्ण हैं और 16 सखी हैं, प्रत्येक कृष्ण के साथ में दो दो सखी दी गई है, नीचे म्यूजिशियंस भी बैठे हैं जिसमें कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, या पुराना जो बाजा जिसको शहनाई बोलते थे वो बजा रहे हैं, ऐसे चवड़ ढोलती हुई गोपिकाएं दिखाई गई है, बीच में श्रीनाथ जी का स्वरूप दे दिया है, बाकी बिहारी वाला श्रीनाथ जी के कई स्वरूप हैं, जिसमें बाल रूप का जिसको लालन बोलते हैं उनकी भी रास बनती है, आपके सॉरी द्वारिकाधीश जी की पिछड़े बनती है, श्रीनाथ जी की बनती है, कृष्ण की बनती है, 8 स्वरूप जो हैं श्रीनाथ जी के उनके भी पिछड़ियाँ अलग से बनती है, बहुत वृहद रूप में पिछड़ियों का निर्माण होता है, लेकिन मूल रूप से भी 8-10 तरह की पिछड़ियाँ बनती है, बाकी मंदिरों के लिए हर उत्सव की अलग पिछड़े बनती है, जो जानकार लोग उनको पूरा नॉलेज है कि ये कौन से स्वरूप की पिछड़ी है या कौन से उत्सव की पिछड़ी है या इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें श्रृंगार कौन सा आएगा, प्रत्येक का श्रृंगार अलग अलग, 365 दिन श्रीनाथ जी के अलग अलग श्रृंगार हैं। श्रीनाथ जी के साथ में मूल रूप से जारी बंटा और पान ये दिए जाते हैं, ये देखिए आप नीचे ध्यान से, ये इत्र की दानी है, ये बंटा है, जारी है और पान है, चवड़ ढोलते हुए मोर पंखी दी जाती है, मोर इनको प्रिय था, इस प्रकार से ये महाराष्ट्र में बना रहा हूँ। अब मैं आपको इसके बाद पिछवाड़े में स्केच कैसे की देते हैं, इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए, इसमें नीचे जल कमल तले भी दी गई है, इसमें काम बाकी है मेरा, इसमें कमल के फूल बनेंगे, नीचे चादर हैं, तो मुख्य रूप से पिछवाड़ियों में जल कमल का जो तलाई है वो जरूर दिखाई जाती है, ऊपर विमान जरूर दिखाए जाते हैं बड़ी पिछवाड़ियों में, और अगर छोटे पीस हैं तो उसके अंदर जगह के अनुसार हम सबसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। श्रीनाथ जी का फेस कैसे बनाया जाता है या कृष्ण का फेस कैसे बनाया जाता है या राधा का फेस कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। श्रीनाथ जी का फेस बनाने के लिए सबसे पहले जैसा राइट है वैसा ही लेफ्ट फेस होता है, तो इस प्रकार से दो भागों में विभक्त करने के लिए इसको इस प्रकार से एक आकृति तैयार की जाती है, ये उनका मुकुट होता है, ये उनका साफा ऊपर का, ये उनकी मोतियों की जगह है, ये उनके कर्ण कुंडल हैं, फिर ये उनके बीच की दाढ़ी है, और इसको दो भाग में विभक्त करती हुई दो आंखें बनाई जाएगी यहाँ पे, ये इस प्रकार से ये उनका नाक का हिस्सा हो गया, ये नाक वाला हिस्सा, ये इस प्रकार से, फिर इसके बाद ये इनका होठ हो गया स्माइलिंग फेस हल्का सा ये, फिर इसको फाइनल रूप देने के लिए इसके कट लगाए जाते हैं एक एक
जब वो रंग भरते हैं, रंग भरने के बाद जब फाइनल स्थिति आती है, तो अभी मैं आपको रफली बता रहा हूँ। इसी प्रकार से ये इनका नेत्र है, ये उनके नेत्र हैं, बिल्कुल मछली के आकार के उनके नेत्र होते हैं, लंबे लंबे पतले पतले। ये इस प्रकार से है, ये एक रफली स्केच है आपको दिखाने के लिए, बाकी पूरा मेजरमेंट से इनका सारा फाइनल रूप होता है। ये उनकी नथ, ये उनके नाक का मोती, ये उनके डैडी का हीरा। श्रीनाथ जी बहुत ही सुंदर स्वरूप है, उनको श्रृंगारित किया जाता है अलग अलग श्रृंगार से, जितना उनको अलंकृत किया जाएगा उतना ही कम है। ये उनका सिर पेच है, ये उनके ऊपर फिर मुकुट भी बनाया जाता है, मुकुट भी कई तरह के बनते हैं, ये इस टाइप से मुकुट होता है। ये मुकुट का ये इस प्रकार से है, मोर मुकुट जिसको बोलते हैं, इसमें मोर पंखियाँ बनती है, इनका भी अलंकरण किया जाता है। ये मोती लगाने की जगह इनमें वाइट वाइट मोती आते हैं, खूब सारे छोटे 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 मोती होते हैं वाइट के। ये इस प्रकार से श्रीनाथ जी का स्वरूप तैयार किया जाता है। ये रफली आइडिया के लिए मैंने आपको बना के बताया है। ऐसे कृष्ण का जो फेस है, कृष्ण का फेस बनाने के लिए एक रफली मैंने एक चेहरा बनाया है, अब इसको मैं फाइनल करूँगा। ये इस प्रकार से, ये देखिए, ये कृष्ण के कान हैं, ये उनके कर्ण कुंडल बनाए हैं, ये उनके नेत्र हैं, ये उनके आँख के ऊपर के भौं हैं, ये इनका मुकुट बन रहा है अब कृष्ण का, ये कृष्ण का मुकुट बनेगा। ये इस प्रकार से ये कृष्ण का मुकुट, और ये इसके ऊपर एक छोटा सा मोर पंखी, मोर छाल, मोर मुकुट, कुछ भी कह सकते हैं आप इनको। ये इस प्रकार से कृष्ण को भी खूब तरीके से अलंकृत किया जाता है। ऐसे ही हाथ बनाने की स्टाइल बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये उंगलियाँ बनती है इनकी, बहुत सुंदर सुंदर उंगलियाँ बनाई जाती है। ये देखिए, ये इस प्रकार से ये उंगलियाँ, ये आशीर्वाद देते हुए कि जैसे, ये देखिए आप, ये सबसे छोटी उंगली, इसके बाद ये बड़ी उंगली, इसके बाद ये बड़ी उंगली, ये आशीर्वाद स्वरूप। ऐसे बंद मुट्ठी वाला, ये बंद मुट्ठी वाला, ये उंगली, ये देखिए आप, ये कृष्ण की अलग अलग मुद्राएं हैं हाथों की। ये देखिए नीचे हाथ लटकता हुआ, ये इस प्रकार से है, ये देखिए। इसी प्रकार से अलग अलग उंगलियां दिखाते हुए हाथ भी बनाए जा सकते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग मुद्राएं हैं हाथ की, ये इस प्रकार से। ये मैंने एक छोटा सा प्रारूप आपको दिखाया है, ये कृष्ण के हाथ की मुद्राएं बताई मैंने आपको। अलग अलग भाव भंगिमाएं दिखाई थी, हाथों की मुद्राएं दिखाई थी, अब मैं आपको राधा कैसे बनाई जाती है, राधा का फेस बनाना बताता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आप ध्यान से, ये उनकी दाढ़ी, चिन बोलते हैं जिसको, ये उनका पीछे का बाल का हिस्सा, थोड़ा सा सिर इसका दबिया है, इसका सिर को थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं इस प्रकार से। ये उनका नाक, ये उनके नेत्र, ये उनके पीछे के भौहें आंखों की, ये यहाँ से इनके बाल, ये उनके कान के कुंडल, ये चेहरा थोड़ा और बड़ा होना मांग रहा है, ये इस प्रकार से, ये
ये उनके नेत्र फिर इनकी जुल्फें जब कंप्लीट हो जाता है तब इनकी जुल्फें बनाई जाती है, लटें जिनको कहते हैं अपन बालों की। इस प्रकार से ये राधा जी का चेहरा बनाया मैंने। अभी इसको दूसरी दिशा का चेहरा बना के बताता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये इनके ऊपर के बाल, ये कान, कुंडल और ये नेत्र। ये एक रफली स्केच है, जब हम फाइनल करने के लिए जाते हैं तो ये फाइनल होने के बाद बहुत सुंदर निकल कर आता है। ये देखिए, ये इनका ब्लाउज है, ये इनकी कमर आ गई है, ये इनके ब्लाउज का हिस्सा, ये इनके गले का ब्लाउज का गला, इस प्रकार से ये बनाया जाता है। ये देखिए आप हाथ ऊपर करते हुए एक रफली स्केच बनता है पहले, फिर इसको फाइनल किया जाता है। ये देखिए इनका ब्लाउज, ये इनका हिस्सा, ये गोपाष्टमी का मैंने सब्जेक्ट बनाया। और ये आजकल मैं छोटे छोटे साइजेस में बना रहा हूँ ताकि लोगों के जिनके बड़े मकान नहीं है उनमें भी वो अच्छे से डिस्प्ले कर सके। तो पिछवाई को छोटे छोटे रूप में भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरे काम को सराहा, आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।